वेलकम गाइज, आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे फ्लिपकार्ट स्मार्ट अपग्रेड प्लान के बारे में। दोस्तों, आपका भी मोबाइल लॉक हो चुका है तो आप इस वीडियो को देखिए। इससे पहले मैंने हमारे इस चैनल पर कई सारे वीडियो क्रिएट किए थे, आपने देखा भी होगा दोस्तों। लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा कॉल्स आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं कि सर, आपने जो फ्लिपकार्ट स्मार्ट अपग्रेड प्लान बताया है अनलॉक करने का प्रोसेस, तो हमारे पास ना ऑर्डर आईडी है ना बिल है, तो इसे कैसे रिमूव किया जाए। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कंप्लीट होने वाला है। इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। कंप्लीट देखने के बाद आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी किस तरीके से इस लॉक को रिमूव किया जाता है। दोस्तों, लॉक को रिमूव करने का इतना आसान ट्रिक नहीं है, लेकिन आपके पास ऑर्डर आईडी है और बिल है तो आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। लेकिन कई सारे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज आ रहे हैं और कई सारे कॉल्स आ रहे हैं और बार बार एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर, हमारे पास ना ऑर्डर आईडी है ना बिल है, तो इसे लॉक को कैसे रिमूव किया जाए। दोस्तों, इसका कोई सॉल्यूशन हमारे पास भी नहीं है और आप चाहे तो कंपनी को कॉल भी कर सकते हो, पूछ सकते हो। जो जानकारी आपको पूछना है, मैं आपको कंपनी का नंबर भी प्रोवाइड करूंगा दोस्तों। लेकिन कई सारे कॉल्स मुझे आए थे, उन्होंने बताया कि सर, हमने कंपनी को भी कॉल किया था, लेकिन कंपनी वाले बता रहे कि ऑर्डर आईडी के बिना हम ना कोई यहाँ पर जानकारी बता सकते हैं ना इसका कोई सॉल्यूशन है। दोस्तों, कई सारे मुझे ये कॉल्स करते बंदे और बार बार एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर, ये फ्लिपकार्ट ये इस तरीके से कैसे ऑफर दे सकता है, मतलब कि फ्लिपकार्ट एक फ्रॉड है। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, फ्लिपकार्ट एक फ्रॉड नहीं है। फ्लिपकार्ट ने एक मतलब कि दिया था आपको जो बोलते हैं ऑफर, तो आपको उस ऑफर को लेना चाहिए। फ्लिपकार्ट को थोड़ी ही पता है कि आप इस तरीके से फ्रॉड करोगे। फ्लिपकार्ट एक आपके लिए मतलब कि अलग अलग ऑफर प्रोवाइड करता है, तो उस ऑफर का मतलब कि लाभ आपको कैसे लेना है वहाँ से आप चॉइस कर सकते हो। दोस्तों, फ्लिपकार्ट आपके लिए बनाया गया है और फ्लिपकार्ट आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा ऑफर प्रोवाइड करता है, तो आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन कई सारे व्यूवर्स क्या कर रहे हैं, मतलब कई सारे बंदे क्या कर रहे हैं कि फ्लिपकार्ट से जो ऑफर में मोबाइल लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं कि मोबाइल लॉक होने से पहले किसी को भेज देते हैं, उसके बाद आपका मोबाइल लॉक हो जाता है तो आपके पास ना ऑर्डर आईडी होता है ना बिल होता है, आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हो। लेकिन मैं आपको बता दूँ, इस लॉक को रिमूव करने के लिए एक प्रोसेस है जो मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। दोस्तों, लॉक को रिमूव करने के लिए आपको सबसे पहले ऑर्डर आईडी लेना होगा। दोस्तों, आपके पास ऑर्डर आईडी नहीं है तो जहाँ से आपने मोबाइल खरीदा था वहाँ पर जाइए, कॉल कीजिए, आप उनसे बात कीजिए कि ऑर्डर आईडी हमें चाहिए। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक ही प्रोसेस करना होगा कि आप ऑर्डर आईडी ले लीजिए। दोस्तों, कई सारे व्यूअर्स मुझे एक कमेंट करते कि ऑर्डर आईडी लेने के बाद इसका सॉल्यूशन क्या है। तो दोस्तों, ऑर्डर आईडी लेने के बाद आपको कंपनी को एक कॉल करना पड़ेगा। कॉल करने के बाद आपको कंपनी एक लिंक प्रोवाइड करेगी, लिंक के थ्रू आप पेमेंट कर पाएंगे। जब आप पेमेंट करोगे तो आपका मोबाइल का लॉक है रिमूव हो जाएगा। दोस्तों, लॉक रिमूव होने के बाद आपको करना क्या है, मतलब कि ये सिंपल। दोस्तों, पेमेंट करने के बाद आपका मोबाइल का लॉक रिमूव हो पाएगा। बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हो। दोस्तों, पूरी डिटेल के साथ मैं आपको बताऊँ कि आप किस तरीके से लॉक रिमूव कर पाएंगे आपके पास ऑर्डर आईडी है तो। दोस्तों, आपके पास ऑर्डर आईडी है तो आप कंपनी को कॉल कीजिए, कंपनी का नंबर मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, आप वहाँ पे कॉल कीजिए। कॉल करने के बाद आप बता दीजिए आपका नाम जो भी है और उसके साथ आपका ऑर्डर आईडी पूछा जाएगा, वहाँ पे आप बता दीजिए। ऑर्डर आईडी बताने के बाद आपको कंपनी एक आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे, वहाँ पे आप लिंक के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद आपका मोबाइल का अनलॉक रिमूव हो जाएगा, मतलब कि लॉक नहीं रहेगा। दोस्तों, कई सारे व्यूअर्स मुझे बार बार ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सर, हमने मतलब कि पेमेंट सेंड किया है कंपनी को तब भी हमारा मोबाइल लॉक रिमूव नहीं हो पाया। दोस्तों, मैं बताऊँ आपको, आपने जब पेमेंट किया है उसके बाद आपको 72 रोज का वेट करना है, उसके बाद भी नहीं होता है तो आपको एक बार मोबाइल को रिस्टार्ट करना है। बहुत आसान तरीके से आपका मोबाइल का जो लॉक है रिमूव हो पाएगा। उसके बाद भी नहीं होता है तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए। सबसे पहले तो आपको एक बात ध्यान में रखना है कि जब आपने पेमेंट सेंड किया था वो पूरी तरीके से सेंड हो चुका है कि नहीं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। चाहे तो आप कंपनी से बात करके पूछ सकते हैं, हमने पूरा पेमेंट किया है लेकिन इस लॉक को कैसे रिमूव नहीं हो पाया। ज़्यादा से ज़्यादा आप कंपनी को बात कर लीजिए और उसके बाद आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता तो मुझे एक बार व्हाट्सएप कीजिए या तो मुझे कॉल कर सकते हो और कॉल के थ्रू मुझे बात कर सकते हो। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेरी तरफ से मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, कई सारे आपको YouTube पे वीडियो मिलेंगे, लेकिन इस तरीके से मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इस तरीके से वीडियो नॉलेज आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स को अभी तक इसके बारे में पता भी नहीं है।
दोस्तों इससे मैं आपको बता दूँ, इसकी इस तरीके से प्रॉब्लम मुझे पहले ही आई थी और इसका सॉल्यूशन मैंने खुद किया था, इसलिए मैंने इस तरीके से वीडियो बनाता हूँ। दोस्तों मुझे ये नहीं लगता कि दोस्तों मुझे लगता है कि आपको भी इस तरीके से प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप एक सेकंड मोबाइल परचेस करते हो तो आप बहुत ध्यान में रखिए, जो कि मैं वीडियो में बार बार बता रहा हूँ कि सेकंड मोबाइल खरीदते वक्त आप बहुत ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जैसे कई सारे व्यूवर्स क्या करते हैं कि सेकेंड हैंड मोबाइल लेते हैं और बिल ना लेते हैं, ना ऑर्डर आईडी लेते हैं, उसके बाद मोबाइल लॉक होता है तो बहुत परेशान होते हैं। तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जब आप एक सेकेंड हैंड मोबाइल लेते हो तो आप ऑर्डर आईडी और बिल ले लीजिए, बहुत आसान तरीके से आपका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। ऑर्डर आईडी के बिना ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ना मेरे पास है, ना कंपनी के पास है, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर वो अवेलेबल भी नहीं है बिना ऑर्डर आईडी के लॉक रिमूव करने का। दोस्तों आप YouTube पे कई सारे वीडियो देखे होंगे ना, आपको ऐसा कोई सोल्यूशन मिलने वाला है ना ही मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको थोड़ी सी नॉलेज मिली होगी। दोस्तों आपको और भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो को नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। जो आपको प्रॉब्लम आ रही है इसके बारे में फुल डिटेल के साथ एक वीडियो क्रिएट करूंगा। इस वीडियो को नीचे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।